नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। पुरुलैया का नाम आते ही आज भी लोगों के जहन में 17 दिसंबर 1995 का वो दिन आ जाता है जब इसी जगह पर एंटोनोव विमान में हथियार गिराए गए थे। वो भी छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि सैकड़ों AK-47 राइफल और कारतूस यहाँ पर गिराए गए थे। मकसद था बंगाल में अशांति फैलाने का। खैर, आज हम यहाँ कारतूसों के सूटकेस की नहीं बल्कि वोटों के वोट केस की बात करने आए हैं। लोकसभा सीट की विशेष सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की पुरुलैया लोकसभा सीट की, जहाँ से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर मृगांक महतो सांसद हैं। 2014 में AIFB के नराहरि महतो को हरा कर डॉक्टर मृगांक संसद पहुंचे थे। उन्होंने नराहरि को 1,53,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। आपको साथ में ये भी बताते चलें कि इस जीत में सबसे बड़ा योगदान था इस संसदीय क्षेत्र की 22,44,195 जनता का। इनमें से 14,71,933 लोगों का नाम मतदाता सूची में था। 2014 में कुल 82% वोट पड़े। वोट डालने वाले लोगों में 6,27,033 पुरुष और 5,77,642 महिलाएं शामिल थी। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर मृगांक संसद पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा सक्रिय सांसद नहीं रहे। मई 2014 से लेकर दिसंबर 2018 तक उन्होंने मात्र 5 परिचर्चाओं में हिस्सा लिया। उन्होंने एक भी प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत नहीं किया और पूरे 4.5 साल में मात्र 8 सवाल पूछे, जबकि राज्य का औसत 32.2 डिबेट, 0.3 बिल और 88 प्रश्नों का है। वहीं राष्ट्रीय औसत की बात करें तो देश के सभी सांसदों का डिबेट का औसत 63.8 रहा, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल 2 और प्रश्नों का राष्ट्रीय औसत 273 का रहा। उपस्थिति के मामले में डॉक्टर मृगांक का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा। राज्य का औसत जहां 65% रहा, वहीं डॉक्टर महतो ने 71% उपस्थिति दर्ज की। 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक यहां पर 83.4% हिंदू और 7.12% मुसलमान हैं। वहीं संसदीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या में 19.8% लोग अनुसूचित जाति के हैं, जबकि 15.61% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। जमीन पर विकास कार्यों के मामले में डॉक्टर महतो का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। 2014 से फरवरी 2019 तक डॉक्टर महतो ने अपनी सांसद निधि का भरपूर प्रयोग किया। फिलहाल उनकी सांसद निधि में 4.51 यानी 4,51,00,000 रुपए शेष बचे हैं। अगर इतिहास की बात करें तो ऐसा लगता है कि लेफ्ट विंग की सबसे बड़ी पार्टी CPIM ने हमेशा से ये सीट फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए छोड़ रखी है। 1977 से लेकर 2009 तक यहां पर 5 बार फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सांसद रहे, जबकि 5 बार ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सांसद रहे। सबसे लंबी पारी खेलने वाले नेता चितरंजन महाता रहे। वो 1977 से लेकर 1996 तक यहाँ से सांसद रहे। उन्होंने कुल 5 टर्म पूरे किए। अब अगर वोट बैंक की बात करें तो 2014 के परिणाम तृणमूल के पक्ष में रहे, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस को बराबर का टेंशन दे गए। जी हाँ, दोनों का ही वोट प्रतिशत 26% और 21% रहा। दोनों को 18% से 20% वोट की हानि हुई। वहीं बीजेपी इस सीट पर 7% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं थी क्योंकि दोनों के वोट शेयर में 18% से 20% तक गिरावट आई थी। आपको बता दें, अब खोए हुए वोट शेयर को दोबारा पाने के लिए दोनों पार्टियों को जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर ये चुनाव यहाँ पर दिलचस्प होने वाला है।